दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जब आपसे लोग कहते होंगे कि यार मेरा तो बुरा वक्त चल रहा है और वक्त बदल जाएगा और थोड़ा वेट कर लो, काम करते रहो और थोड़े दिन बाद जब अच्छा वक्त आएगा तो अच्छा काम करना, और या तो थोड़ा घर पर बैठ जाओ, जब अच्छा वक्त आएगा तो घर पर, जब अच्छा वक्त आएगा तो फिर वो काम चालू कर देना। दोस्तों क्या आपको लगता है कि वाकई में घर पर बैठ के अच्छा वक्त आपका आ जाएगा? क्या आप सोचते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो सो आप ये आज से ही मान लो कि ज़िंदगी में कभी भी अच्छा वक्त अपने आप नहीं आता। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि लाइफ में ये जो अच्छा वक्त और ये जो बुरा वक्त होता है ना, इसकी कोई पहचान, इसकी कोई गणना, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, लाइफ में जो अच्छा वक्त और बुरा वक्त होता है ना, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। मैं अच्छा वक्त कब आएगा? जब आप अच्छे काम अच्छी सोच के साथ करते जाएंगे तभी आपका अच्छा वक्त आएगा। और मैं आपसे बताऊं कि अगर आपकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है, अगर आप वेट कर रहे हो अच्छे वक्त के लिए, तो ज़िंदगी भर वेट करते रह जाओगे, कभी नहीं आएगा। अच्छा वक्त तभी आएगा जब आप, दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात जानना करना, जीवन का सबसे बड़ा नियम ही परिवर्तन है। अगर आप अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे तो आपका बुरा वक्त कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आपका अच्छा वक्त बुरे वक्त में बदल जाएगा। परिवर्तन हमेशा आपको नई नई चीज़ें सिखाता है, परिवर्तन ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, और परिवर्तन ही आपको सफलता और असफलता ही चीज़ दिखाता है। दोस्तों परिवर्तन करते रहिए, क्योंकि जो लोग एक्सपेरिमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, जो लोग परिवर्तन नहीं करते हैं, वो जीवन में पीछे छूट जाते हैं। बस अगर आपको वाकई में अपना अच्छा वक्त देखना है तो आज ही से अपने चेंजेस कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि चेंजेस करने का मतलब ये होता है कि अपना नाम बदल लो, अपना पहचान बदल लो। चेंज करने का मतलब ये होता है कि परिवर्तन अपने काम करने के ढंग में लाओ, परिवर्तन अपनी सोच में लाओ, परिवर्तन अपने व्यवहार में लाओ। किस तरीके से आप चीज़ों को लेते हो, उस तरीके से आप चीज़ों को अलग ढंग से सोचने की शक्ति अपने अंदर पैदा करो। दोस्तों इसी चीज़ को लेते हुए आज मैं आपके साथ में, इसी चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको कुछ पंक्ति आपको कहना चाहता हूँ। ये श्री अमिताभ बच्चन जी की कही हुई कुछ पंक्ति हैं जो मैंने कहीं सुनी थी, तो मैं अपनी भाषा में और अपनी पंक्तियों के साथ अपने कुछ तर्क लगा के ये आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आया, और पूरा सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि मैं ये नहीं, दोस्तों मैं आज ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, पर ये पंक्ति जरूर सुन लेना, हो सकता है कि जीवन में कुछ करने की इच्छा पैदा हो जाए। ये पंक्ति, ये कविता है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, ये कविता है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों कविता इस तरह की है कि सपनों को लेकर मुट्ठी में जेबों में भरकर आशाएं, सपनों को लेकर मुट्ठी में जेबों में भरकर आशाएं, दिलों में अरमान यही है कि जीवन में कुछ कर जाएं। सपनों को लेकर मुट्ठी में जेबों में भरकर आशाएं, दिलों में अरमान यही है कि जीवन में कुछ कर जाए। सूरज सा तेज है मुझमें, सूरज सा तेज है मुझमें, दिए का जैसे जलता देखोगे, अपनी हद को रोशन करने तुम मुझको कब तक रोकोगे, अपनी हद को रोशन करने तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस उपजाऊ मिट्टी का वृक्ष नहीं मैं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर में लिखी इबारत हूं मैं, पत्थर में लिखी इबारत हूँ मैं, तुम शीशों से कब तक तोड़ोगे, नाम मिटने वाला नाम हूँ मैं, नाम मिटने वाला नाम हूँ मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा हुआ हूँ फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हूँ फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों से ही स्वयं रचा मैं, अपने हाथों से ही स्वयं रचा मैं, अपने हाथों से ही स्वयं रचा मैं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। सागर से भी गहरा हूँ मैं, सागर से भी गहरा हूँ मैं, तुम कब तक कंकर फेंकोगे, तुम कब तक कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं, इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस तानों के शोर में, इस तानों के शोर में मुझे सच कहने की आदत है, इस तानों के शोर में मुझे सच कहने की आदत है। तुम हालातों की भट्टी में जब तक मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब तक मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और दोस्तों मेरी कही बातों को ध्यान रखना कि अच्छा समय कभी नहीं आएगा, अगर जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे आपके समय कभी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको अपने समय में परिवर्तन लाना है तो अपने खुद में परिवर्तन लाइए, अपनी सोच में लाइए, अपने विचार में लाइए। देखिए आप किसके साथ खड़े होते हैं, देखिए कितना समय आप किसके साथ देते हैं, देखिए कितना ज्ञान आपको कहाँ मिलता है। अगर आप वहीं पर अपना, अगर आप थोड़ा सा समय अपना वहाँ देने लगेंगे, आप देखेंगे आपका अच्छा समय आपके जस्ट, आप देखेंगे कि आपका अच्छा समय आपके सामने है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।